तो समन आज भी क्वेश्चन, क्या सोनी A6400 प्रो कैमरे के साथ टैमरॉन की लेंसेज बेहतर तरीके से काम करेंगी, या तो फिर उन्हें कोई अडेप्टर खरीदना होगा, या कोई इश्यूज है तो उसे लेकर हम खुलकर उसे बताएं? तो मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। आप टैमरॉन की लेंस लेते हो, सिग्मा के लेते हो, सैमयांग के लेते हो, सारी लेंसेज जितनी भी थर्ड पार्टी लेंसेस है आपकी ई माउंट के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगी, और आपको कोई भी अडेप्टर ये सब सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। क्या रीजन है, क्यों इतने अच्छे तरीके से काम करती हैं ये लेंसेज, थर्ड पार्टी लेंसेज, स्पेसिफिकली सोनी के ई माउंट के लिए? क्योंकि सोनी ने इसके पहले कुछ करा है, क्या करा है, दैट सोनी शेयर ऑल द ई माउंट डिटेल, जितनी भी ई माउंट डिटेल्स थी सोनी की अपने AF सिस्टम को लेके, वो इन थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के साथ सोनी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है बैक ऑन 2018, 2018 के पहले ही। और जितनी भी अपडेट वो करते हैं अपने AF सिस्टम में, वो थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। सो एक्चुअली सोनी इज सपोर्टिंग दीज थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि सोनी को मार्केट में अपनी एक बहुत अच्छी कंज्यूमर बेस बनानी थी, एंड दैट्स वाई मोस्ट प्रोबेबली सोनी ने ऐसा स्टेप उठाया कि भाई अपनी जितनी भी AF डिटेल्स इन थर्ड पार्टी लेंस मेकर को बुला कर दे दी जाए, और टाइम टू टाइम दिया जाए कि लेंसेस की ऑप्शन बहुत सारी रहे अपने कंज्यूमर बेस के पास, और वो चाहे जैसी लेंसेस अपने कैमरे के लिए परचेस कर लें, और कोई भी AF सिंक्रोनाइजेशन की इश्यूज यूजर एंड को नहीं फेस करना पड़े अगर वो थर्ड पार्टी लेंस मेकर से भी खरीद रहे हैं तब। तो ये सारी चीजें आप जान चुके हो, तो आप ये चीज कंफर्म हो गए रहो कि भैया मैं टैमरॉन की लेंस खरीदता हूँ, या सिग्मा की खरीदता हूँ, या सैमयांग की खरीदता हूँ अपने A6400 कैमरे के लिए, या A7 III, A7 IV के लिए, तब भी कोई इश्यूज नहीं आने वाली है AF सिंक्रोनाइजेशन को लेके। सो दिस इज ऑल अबाउट द AF सिंक्रोनाइजेशन एंड द नीड ऑफ अडेप्टर वाइल यूजिंग टैमरॉन सिग्मा लेंसेस। कोई जरूरत नहीं अडेप्टर की, किसी भी तरह के अडेप्टर्स की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन यूज द ई माउंट लेंसेज डायरेक्टली विद द ई माउंट, कोई कुछ भी नहीं लगाना है आपने, बहुत अच्छी तरीके से AF सिस्टम वर्क करेगी। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिला हो। इसके बावजूद आपके पास कोई क्वेश्चन है, बच गया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज एंड यूनिवर्स।